हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड सागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10 बजे से और फिलहाल अपनी पढ़ाई के साथ। तो चलते हैं, अपने पढ़ाई में लग जाएंगे। जो फिलहाल बच्चों को सुलाते सुलाते 10 बज गए थे, मतलब होता है कभी बच्चे छोड़ देते हैं कभी नहीं जल्दी छोड़ते हैं, और फिलहाल इनके पापा ड्यूटी हैं तो फिलहाल सुलाना ही पड़ेगा। ऐसे रहता है कि मैं छोड़ के फिर आ जाती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई रात में कर रही हूँ, जो अभी मैं लाइव ही पढ़ाई कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, जो लाइव मतलब रात में आप लोग जुड़ते होंगे तो देखते ही होंगे। फिलहाल मैं अब इस टाइम 10 बजे से अपना 12 बजे तक, मतलब 2 घंटे, कभी 3 घंटे, जब भी छुट्टियाँ रहती है 3 घंटे हो ही जाते हैं, 4 घंटे भी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे अपना पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। और फिलहाल रिविज़न करने का फ़िलहाल आप लोग को मैं अपना प्लान शेयर करने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ कि आप लोग भी रिविज़न करिए। रिविज़न बहुत ज़रूरी है और रिविज़न के लिए भी अलग से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, न्यू न्यू टॉपिक आते जाएंगे तो पीछे के भूलते जाएंगे अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ बस शेयर करूँगी। बाकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को खुद ही आइडिया होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और फिलहाल पूर्वालोकन को पढ़ना कैसे, इतनी मोटी मोटी बुक है, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ा जाए, जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। और सिलेबस, फुल सिलेबस एकदम अक्टूबर तक कम्प्लीट मुझे कर लेना है, इतना मैंने टारगेट बनाया। क्योंकि जो भी टारगेट बनाना उसी अकॉर्डिंग हो पाता है, बिना टारगेट बनाए डिसाइड करे दिन के इतने दिन में मैं ये पढ़ जाऊँगी, ऐसे नहीं कम्प्लीट हो पाता है। तो बस यही मेरा मतलब लक्ष्य है, अपना बना रखी हूँ कि अक्टूबर तक फाइनली कंप्लीट करूँगी, उसके बाद टेस्ट मॉक सब लगाना स्टार्ट करूँगी। बाकी ऐसे शॉर्ट शॉर्ट लगा रही हूँ वो बात अलग है। और फिलहाल मैं अपनी 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी, रिवीजन ही कर रही थी। जो रिवीजन में कुछ टॉपिक रह गए उसके बाद फिर मैं सोने चली गई, क्योंकि नींद भी आ रही थी। और सोने गई कि सेम टाइम लाइट भी चली गई, जो 2 बजे लाइट कट गई दिमाग खराब हो गया एकदम, और बारिश होने लगी इतना तेज़ से, लेकिन ठंडा नहीं हुआ मौसम। जैसे होता है कि बारिश होता है रूम ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, बहुत गर्मी हो रहा था और पूरा रात भर ऐसे ही हुआ। और फिलहाल सुबह भी लाइट नहीं आई थी, जब भी मैं टिफ़िन बनाने गई और टिफ़िन बना ली 6:30 बजे लाइट आई सुबह, तो वही है बच्चे रात भर एकदम परेशान कर, मम्मी पंखा डुलाओ बेनर डुलाओ ये सब लगा रहे थे, हवा करो। अब उन सबको करने के चक्कर में खुद भी नहीं सोए, मतलब बहुत थकावट हो गया। जब नींद नहीं पूरी होती है तो यही हाल होता है। तो इधर मैं टिफ़िन वगैरह बनाई, बच्चों को रेडी करी और मैं चल दी छोड़ने। और मेरा बेटा भी है जो सोया नहीं था रात में, तो अपना ऐसे ही अभी लाइट आई, जब भी लेट तो सोया ही था, तो उसको ज़बरदस्ती जगा के लेके गई, क्योंकि उसको छोड़ के जाना तो रोने लगता है। और फिलहाल लाइट चली गई थी रात भर पूरा, तो फ्रिज की हालत ऐसी, पूरा आइस पिघल पिघल के पूरे घर में पानी पानी। जो मैं एक बेटी को छोड़ के आई तो फिर मैं लग गई सफाई में, जो सफाई भी कर रही थी लेकिन वो भी पूरा हुआ नहीं, थोड़ा ही करी उसके बाद बेटे को छोड़ने का टाइम हो गया। जो ऐसे ही मैं बीच बीच में काम करती हूँ, बच्चों को छोड़ती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं जो सबके लाइफ में होता है। तो फिलहाल ये सब तो लगा रहेगा, और फिलहाल मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो अपना शेयर करने वाली हूँ वो बताती हूँ। तो फिलहाल आप लोग डिसाइड करिए पूर्वालोकन का कितने पेजेस एक दिन में पढ़ने हैं, क्योंकि इतना इतना मोटा मोटा बुक है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, कम्प्लीट नहीं होगा, क्योंकि डिसाइड कर लेंगे तो ही होगा। तो फिलहाल तो मैंने अपना टारगेट बना रखा है कि दिन भर में कम से कम 150-200 पेजेस मुझे पढ़ जाने हैं, दिन रात मिला के, ऐसा नहीं है दिन रात मिला के। तो पूर्वालोकन का मुझे इतना पढ़ना है, बाकी जो एक्स्ट्रा पढ़ सकती हूँ वो पढ़ूंगी। तो फिलहाल ऐसे टारगेट बना के मैं अपना पूर्वालोकन पूरा फिनिश करने वाली हूँ जल्दी से जल्दी। और फिलहाल लूसेंट भी साथ साथ कर ही रही हूँ, और रिवीजन का यही है, जितना मैं टारगेट बनाई हूँ ना वो पढ़ ले रही हूँ। उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे पुराना पढ़ना है, जो मैं ऑलरेडी पहले का पढ़ चुकी हूँ, एक दिन पहले का पढ़ चुकी हूँ, उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो दिन भर में आज ही पढ़ी उसी को रिवीजन करूँ, जो मैं कल पढ़ी थी उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जिससे पूछो जो बताएगा यही बताएगा कि पढ़ने से ज़्यादा आप रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ते जाएंगे न्यू न्यू डेली बाय डेली न्यू न्यू कुछ ना कुछ टॉपिक आता रहेगा तो पीछे का भूलता जाएगा और हम ध्यान भी नहीं देंगे, तो ऐसा सिचुएशन आएगा। जब भी टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है, कन्फ्यूज़न आता है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं है। तो यही है, मैं टेस्ट देती हूँ तो अपना 30 में से 21, 22, 20 ऐसे आ रहे हैं नंबर, तो वही बेकार लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, होता है कि ना माइनस मार्किंग है तो कट पिट के इतना नंबर बन रहा है 30 में से। तो बस यही सोच के अपनी पढ़ाई अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब ये हालत है तो एग्ज़ाम में क्या होगा। तो इसलिए अभी जब हम घर पे दे रहे हैं तो 30 में 30 आना चाहिए। तो अपने इसी टारगेट के अकॉर्डिंग, इसी टारगेट के लिए मैं अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रही हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। और फिलहाल आज सुबह से मैं दिन भर एकदम दोपहर तक
नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे, जो फ्रिज की हालत की वजह से पूरा घर फैल गया था, बहुत काम थे, बहुत थक भी गई थी। और फिलहाल दोपहर के टाइम में मैं खाना बनाई, क्योंकि टिफ़िन सुबह बनाई तो लाइट नहीं था, इसलिए बच्चों का बस टिफ़िन थोड़ा सा बना के मैं भेज दी थी। और बाकी दोपहर में जब भी मैं बेटा को छोड़ के आई, अपने घर का सारा काम कर ली, उसके बाद फिर मैं नहा वहा के फ्री हुई। 11 करीब 12 बजे मैं खाना बनाना शुरू करी, तो फिर बना बना के फ्री हुई, तब तक मेरे बच्चे अब भी आ गए, उसके पापा आ गए तो लेके आ गए, तो थोड़ा ये रिलैक्स फील हुआ। नहीं तो पता चले खाना भी नहीं बनाया, बच्चों को भी लाना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता। इसलिए मैं एक ही बार सुबह ही बना लेती हूँ, लेकिन लाइट नहीं था जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। थोड़ा सा बना के टिफिन बच्चों को भेजी थी, तो अभी फिलहाल मैं बच्चों को खिलाई पिलाई, आराम करे थोड़ी देर, फिर उसके बाद बच्चे चले गए ट्यूशन, अब मैं लग जाऊँगी फिर से अपनी पढ़ाई में, जो मैं अभी देख रही हूँ कि मतलब ये पूर्वालोकन में एक दो टॉपिक बचा है, लेकिन इसको मैं अभी छोड़ती हूँ, मैं लूसेंट को ही पहले कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि इसमें बस 4-5 पेज है। तो सोची कि जब जो टॉपिक पढ़ ली हूँ उसको पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर ये पढ़ूंगी, आगे तक बढ़ती चलूंगी। ऐसा नहीं कि बस उसको पढ़ के बंद करना है, क्योंकि यही है जो आज मैं आप लोग के साथ रिवीजन का ही अपना प्लान शेयर करी हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के ना कुछ नहीं होने वाला है। एक बार पढ़ के टेस्ट देने जाओ ना तो यही हाल हो रहा है कि बस लग रहा है कि हाँ पढ़े हैं, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा आंसर है ये डाउट में आ जा रहा है। तो बस अपना जो अपने साथ हो रहा है, जो मैं दे रही हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रह रही हूँ, ताकि आप लोग को भी कुछ आइडिया मिलता रहे, और फिलहाल आप लोग को जो आइडिया मिल रहा है ना वो मेरे साथ शेयर किया करिए, ताकि मुझे भी आइडिया मिले, उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई कर पाऊँ। फिलहाल कोशिश तो है कि अपनी करती रह रही हूँ। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब पूर्वालोकन से नहीं होगा, तो फिलहाल वो तो है, क्या कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं पिछली बार एग्ज़ाम जब भी दी थी तो पूर्वालोकन भी एकदम अच्छे से रिवीजन करके 2-3 बार नहीं गई थी, तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं था कि किससे क्वेश्चन कहाँ से बना है, कैसे बना है। और इस बार मैं बहुत बार पूर्वालोकन पढ़ के जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा कि इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए बस मैं पूर्वालोकन और लूसेंट ही पढ़ रही हूँ। होता है क्वेश्चन घुमा के आता है, लेकिन आता ज़रूर है, ऐसा लगता है, फिलहाल बताते हैं लोग टॉपर, तो बस इसीलिए मैं यही पढ़ रही हूँ, और आप लोग बताते हैं तो मुझे आइडिया मिलता ही रहता है। और लाइव में आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ तो आप लोग नहीं रहते हैं तो मैं रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि अपने पढ़ाई में से ना मैं आधा घंटा एक घंटा जैसे ये टारगेट बनाई हूँ कि एक घंटा बाद आप लोग का कमेंट देखूंगी, उसके बाद एक घंटा पढ़ूंगी, फिर कमेंट देखूंगी, ऐसे। तो आप लोग ऐसा डिसाइड कर लिए, 10 बजे से पढ़ती हूँ तो 11 बजे देखती हूँ, 11 बजे से पढ़ती हूँ तो 12 बजे देखती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो आप लोग उस टाइम कमेंट किया करें ताकि मुझे भी आइडिया मिला करे और मैं आप लोग के सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।